दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों आपके विद्यालय में बेसलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको ये पेपर इस प्रकार से देना है, आपको उत्तर लिखना है और ये 50 नंबर का है। दोस्तों विषय है हमारा हिंदी, याद रखें विषय क्या है, विषय हमारा हिंदी है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट अपनी कक्षा लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप 9th कक्षा के हो तो यहाँ पर आप 9वीं लिखेंगे, 10वीं के हो तो आप यहाँ पर 10वीं लिखेंगे, 11वीं के हो तो यहाँ पर 11वीं लिखेंगे और 12वीं के हो तो आप 12वीं लिखेंगे। बेसलाइन टेस्ट का अर्थ ये है दोस्तों कि आपका जो बेसिक जो नॉलेज है वो जांचा जाएगा इसमें। तो जो आपका बेसिक जो नॉलेज है वो जांचा जाएगा, जिसके आपको अंक भी दिए जाएंगे। तो आपके विद्यालय में अपने जो प्राचार्य महोदय हैं, प्रिंसिपल महोदय, वो आपको ये जो पेपर है ये उपलब्ध करवा देंगे और आपको इसके आंसर फिल करके देना है। ठीक है, यहाँ पर अपनी कक्षा लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी का नाम संजय है तो वो अपना नाम यहाँ पर लिख देगा। ठीक है, और इसके बाद में देख सकते हैं ये यहाँ पर विषय दे रखा है, कुल अंक 50 है और आपको जो प्राप्त अंक, मतलब कि जो ये कापी चेक की जाएगी ना, ये यहाँ पर प्राप्त अंक वो देंगे आपको और 75 मिनट में आपको देना है, यहाँ पर दिनांक नोट करना है। अगर आप लड़का हो तो इसमें यहाँ टिक करना है, लड़की हो तो यहाँ टिक करना है। ठीक है, अब देखते हैं आपको और क्या क्या करना है इसमें, और सारा एक एक का उत्तर मैं बता दूंगा आपको, पूरा का पूरा आंसर मैं बताऊंगा, ये जरूर आप ध्यान रखना। देखिए विद्यार्थियों के लिए जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो इस प्रकार है। तो सबसे पहली बात ये है, कृपया प्रश्न पत्र में दिए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, और ये परीक्षा नहीं है। विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को सहजता से हल करें, मतलब कि कोई ज़्यादा दिमाग पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 75 मिनट है और कुछ प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें केवल एक विकल्प ही सही है, उस पर सही का आपको निशान लगाना है। चलिए देख लेते हैं हम सारे के सारे इसके प्रश्न उत्तर और किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये चित्र दिया गया है, ये जो चित्र है ये चित्र दिया गया है, चित्र को देखकर आपको वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है। और ये एक अंक का है, बच्चे खालिस्तान रहे हैं, तो यहाँ पर जो सारे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, खेल लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, वाक्य बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक अंक इसमें कंप्लीट होता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वो आपका इस प्रकार है। देखिए दिए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सबसे घना पेड़ खालिस्तान का होता है। अच्छा, सबसे घना मतलब कि जिसमें ज़्यादा शाखाएँ हो, ठीक है, अधिक पत्ते हों, तो वो किसका होता है, आम का होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आम लिख देंगे, तीनों ऑप्शन में से। अगला देखिए, नीचे लिखे वाक्यों के लिए जो मुहावरा उचित हो उस पर सही का चिन्ह लगाना है, ये 2 नंबर का है। मतलब मुहावरा देखिए, सचिन ने छक्का जमाया तो दर्शकों का दिल बाग बगीचा हो गया, या फिर बाग बाग हो गया, तो आपको इसमें लिखना है बाग बाग हो गया, ये वाला। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम आने की खबर सुनकर शीला फूली ना समय, या 9:11 हो गई, तो 9:11 होना इसका मतलब तो भाग जाना होता है, तो इसमें हम लिखेंगे फूली ना समय, ये उचित मुहावरा है। उचित मतलब कि जो आना चाहिए वो उचित होता है, तो याद रखना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैं अपना काम समय पर कर दिया, तो मतलब मैंने, ठीक है ना, मैंने अपना काम समय पर कर दिया, तो इसमें आपको खालिस्तान में लिखना है समाप्त। ठीक है, यहाँ खालिस्तान में आप लिखेंगे समाप्त कर दिया समय पर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तुम विद्यालय की और आओ, तो इसमें और जो दिशा सूचक है ना, दिशा सूचक होता है ये और, एक मात्रा वाला, ठीक है, ये वाला एक मात्रा वाला दिशा सूचक होता है, और मतलब ये जो दे रखा है ये क्या होता है, एक से ज़्यादा वस्तुओं को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, औ की मात्रा वाले का। अब देखिए, सरोवर में तैरते खालिस्तान को देखकर बच्चा पढ़ा। अब इसमें एक में तो हंस लिखना है और एक में आपको हंस लिखना है, तो हंस आप यहाँ पर लिखेंगे, ये एक बिंदु वाला, ठीक है, और बाकी जो ये हंस दे रखा है ये आपको कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सात में आपको क्या करना है, समझ ले अच्छे से, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके पुनः लिखना है। अब ये अभिनेता है ना, ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, तो आपको इसमें क्या बनाना है, इसका स्त्रीलिंग बनाकर लिखना है। तो फिल्म में अभिनेता ने अच्छा काम किया, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फिल्म में अभिनेत्री ने अच्छा काम किया, अभिनेता की जगह आप क्या लिख दोगे, अभिनेत्री। देखो ये अभिनेत्री, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, फिल्म में अभिनेत्री ने अच्छा काम किया, बस अभिनेता को हटाकर ही अभिनेत्री लिख देना है। अब देखिए, 8वां प्रश्न, है या हैं
लिखकर वाक्य पूरा करना है। बकरी चरते चरते बहुत दूर चली गई, तो इसमें आएगा है, ठीक है, ये वाला है आएगा। और मेरी सभी पुस्तकें नई हैं, तो इसमें ये वाला है आएगा और बिंदी और लगेगी, ठीक है। तो देख लेना, इसमें अच्छे से कंप्लीट करना है, गलत नहीं करना, नई है ये वाला, यहाँ पर ध्यान रखना है ये बिंदी वाला। अब ये कैसे, बकरी चरते चरते बहुत दूर तक चली गई, तो जो बकरी है ये क्या है, एक वचन है, क्या है ये एक वचन शब्द है दोस्तों। और मेरी सभी पुस्तकें, या ये जो पुस्तकें जो दे रखा है, ये पुस्तकें दोस्तों बहुवचन है, पुस्तकें क्या है, ये बहुवचन है, मतलब एक से ज़्यादा है। तो एक वचन के लिए तो ये वाला है यूज होता है, और बहुवचन के लिए ये वाला यूज होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रेखांकित शब्द की जगह एक जैसे अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है। कल मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। अब देखिए, एक जैसे अर्थ वाला, तो मित्र, अब ये मित्र है ना, इसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर दोस्त लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दोस्त। तो कैसा हो जाएगा, कल मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की, क्योंकि मित्र और दोस्त एक जैसी बात है, और यहाँ पर क्या पूछा है कि एक जैसे अर्थ वाला शब्द लिखकर आपको वाक्य पूरा करना है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे, इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहते थे जो, अब इसमें आपको बताना है चार ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, इनमें से छांट कर देखिए। पहला ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, हमेशा अपनी माँ का कहना मानता हो। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, उनका स्थान ले सके। तीसरा दिया है, कभी असफल ना हुआ हो। और चौथा दिया है, तंदुरुस्त हो। तो सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे, इसमें आपको खा वाला लिखना है, उनका स्थान ले सके, ठीक है, जो उनका स्थान ले सके जो उनको स्थान ले सके, उसको उत्तराधिकारी चुनेंगे वो। अब वाक्य पूरा करें, आज विद्यालय में, तो इसमें आपको इस प्रकार से लिख देना है, आज विद्यालय में बाल सभा हो रही है, इस प्रकार से लिख देना, आज विद्यालय में बाल सभा होने वाली है, या हो रही है, होने वाली है, आज विद्यालय में बाल सभा होने वाली है, इस प्रकार से आप इसमें वाक्य को पूरा कर देंगे। अगला देखिए 12वां प्रश्न, और 12वें प्रश्न का उत्तर देखना दोस्तों, ये पेपर सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले कभी ये फिल्म नहीं देखी। अब यह वह वाक्य चुने जिसका अर्थ एक समान हो, ठीक है, तो इसमें आप ये लिखेंगे, आज मैंने ये फिल्म पहली बार देखी, ठीक है। अगला देखिए, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक बनाएं। सार्थक मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका उचित अर्थ हो, ठीक है, वो सार्थक होता है। तो सार्थक वाक्य बनाना है, मेले है मुझे में घूमना लगता अच्छा, तो इसमें आप लिखेंगे, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है, ये इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। के बाद में देखिए, दिए गए विकल्पों में से उचित विराम चिन्ह लगाकर चुनिए। देखिए, दिए गए जो विकल्प है ना, इन विकल्पों में से उचित विराम चिन्ह आपको क्या करना है, चुनकर लगाना है। मुझे बहुत कुछ करना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो यहाँ पर ये लगाना है आपको, ठीक है। और आखिरी में करोगे के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगला देखिए, कक्षा में आए नए विद्यार्थी और रोहना के बीच संवाद को पूरा करना है। रोहना, तुम्हारा नाम क्या है, नया विद्यार्थी क्या कह रहा है, तो नया विद्यार्थी कह रहा है, मान लीजिए कि मेरा नाम राजू है, ये नए विद्यार्थी ने ऐसे बोल दिया। रोहना, मैं रोहना हूँ, तुम कहाँ से आए हो, ठीक है, मैं रोहना हूँ, तुम कहाँ से आए हो, तो जो नया विद्यार्थी है, वो नया विद्यार्थी क्या कह रहा है कि मैं भोपाल से आया हूँ, इस प्रकार से लिखना है। चलो अब अगला देखिए, 16वां क्वेश्चन, और इसका आंसर देखिए दोस्तों। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गए वाक्य को प्रश्न के रूप में पुनः लिखें। बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ फैल चुका था, तो इसको आपको प्रश्न के मतलब प्रश्न बनाकर इसमें लिखना है, तो इस प्रकार से लिखना आप इसमें। देखो, बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ फैल चुका था ना, इसमें आप लिखेंगे किसके कारण कीचड़ फैल चुका था,
किसके कारण कीचड़ फैल चुका था, कीचड़ किसके कारण कीचड़ फैल चुका था, फैल चुका था या फैला हुआ था। अगला देखिए, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर 17 से लेकर 19 तक के उत्तर देना है। अब ये जो जानकारी दी गई है ना, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का कक्ष, मतलब ये आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ के उत्तर देना है। तो पुस्तकालय में क्या क्या चीज़ें होती है, तो पुस्तकालय में क्या क्या होता है, एक तो अखबार होता है, पत्र पत्रिकाएँ होती है, चार्ट होते हैं आदि होते हैं। तो ये आपको लिखना है पुस्तकालय में, यहाँ से लेकर लिख सकते हैं, पुस्तकालय में अखबार, पत्र पत्रिकाएँ, चार्ट आदि होते हैं। अगला देखिए, पुस्तकालय की कक्षा कब होती है, तो यहाँ पर लिखा है बुधवार को हमारी पुस्तकालय की कक्षा होती है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, बुधवार लिख देंगे। ठीक है, दूसरे में क्या लिख देंगे आप, बुधवार, ये जो बुधवार दे रखा है ना ये लिख देना। और बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ने में मज़ा आता है, तो यहाँ पर लिखे हमें तस्वीरों वाली कहानियों की किताबें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कहानी वाली किताबें जिसमें तस्वीर हो, मतलब कि तस्वीरों वाली कहानियाँ, इसमें हम लिखेंगे तस्वीरों वाली कहानियाँ। ठीक है, ऐसी पुस्तकें पढ़ने में अच्छा लगता है। अब घर में जो आप काम अक्सर करते हो उनके बारे में दो वाक्य लिखना है। आप जो घर में काम करते हो ना उसमें आपको दो वाक्य लिखना है, तो एक वाक्य तो आप लिख सकते हो कि खाना बनाने में सहायता कभी कभी करते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य आप लिख सकते हो कि अगर जैसे मान लीजिए घर का कोई भी कार्य है, तो इसमें आप लिख सकते हैं साफ सफाई का काम भी करते हैं। तो ये दो वाक्य इसमें आपके पूरे हो जाएंगे। अब देखिए, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ये जो चित्र दे रखा है इसको देखकर क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। देखिए, बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन आंसर, चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं, तो चित्र देखिए, चित्र में हमें हाथी दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले देखो हाथी लिख देना, और उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है जेब्रा, तो जेब्रा लिख देना। पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो पेड़ लिख देना। सूर्य दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और उसके बाद में भेड़िया दिखाई दे रहा है एक, ठीक है, और एक जिराफ दिखाई दे रहा है, जिराफ। ये इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही है, और पहाड़ भी है, आपको इतनी लिख देना है। देखिए, अब देखिए चित्र में दिखाई देने वाले जानवरों में दो जानवरों के नाम लिखिए, तो नाम लिखिए, तो हम हाथी लिख देते हैं एक जानवर का नाम, तो और एक जिराफ लिख देते हैं। ठीक है, ये जिराफ। यदि आपको इस जगह जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, तो मज़े करेंगे। नीचे दिए गए पत्र को पूरा करना है। अब आपको इसमें ये जो पत्र दिया गया है, इस पत्र को क्या करना है, पूरा करना है। 4 दिन का अवकाश है, तो प्रार्थना पत्र यहाँ पर, तो अपना पता लिख देंगे पत्र भेजने वाले का। ठीक है, पत्र भेजने वाले का पता आ जाएगा। यहाँ पर आपने शहर का नाम लिख देना, यहाँ पर दिनांक लिख देना। ठीक है, दिनांक लिख देना आप यहाँ पर। सेवा में तो यहाँ लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय। विद्यालय में आप लिख देंगे आपके विद्यालय का नाम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल। ठीक है, क्षेत्र में मध्य प्रदेश। ठीक है, शहर जो भी आपका शहर है वो शहर लिख सकते हैं आप इसमें। शहर क्या है आपका, भोपाल। और अब इसके बाद में विषय में लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद में आगे आप लिखेंगे महोदय। ठीक है,
महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य आ जाने के कारण घर पर आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। बस इतना ही लिखना है। और इस पत्र को लिखने का मुख्य कारण क्या है? तो अवकाश लेना है, छुट्टी लेना इस पत्र का लिखने का मुख्य कारण है। तो ये आपका बेस लाइन जो टेस्ट था, ऐसा का ऐसा ही पेपर है दोस्तों। यही पेपर, सारे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार से आपको कंप्लीट कर देना है सारे के सारे उत्तर, ठीक है? धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।